एक केमिस्ट्री के टीचर थे, तो उनकी एक आदत थी, उन्हें जो चीज़ नहीं आती थी वो कहते थे कि उससे सरल दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। उनकी इस बात को उनके साथ के उनके फ्रेंड और स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनकी एक वीकनेस थी कि उनको स्पीच देनी नहीं आती थी। तो हुआ यूँ कि एनुअल डे चल रहा था, एनुअल फंक्शन चल रहा था, एनुअल फंक्शन में एक स्पीच देनी थी, तो उस स्पीच में उन्होंने जानबूझ के उन्हीं सक्सेना जी का नाम लिख दिया, डॉक्टर सक्सेना का नाम लिख दिया और उनको बताया नहीं। अचानक से जब वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ तो उन्होंने कहा, स्टूडेंट बोले, नाउ आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर सक्सेना, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड डिलीवर योर स्पीच। तो अब सक्सेना जी तो परेशान, क्योंकि उनको तो स्पीच देनी आती नहीं थी, लेकिन उनकी जो अपना चिर परिचित अंदाज था उनका, उसी अंदाज में वो उठ के खड़े हुए, बोले स्पीच देने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आदमी स्पीच दे सकता है, आप एक बात को दूसरी बात से जोड़ते जाइए और जितना जी चाहे बोलते जाइए, इसी तरह की एक स्पीच मैं देता हूँ। स्पीच हम क्या दें, स्पीच तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू गुलाब का फूल लगाते थे, गुलाब के फूल से गुलकंद बनती है, गुलकंद पेट की दवा है, पेट रोगों की जड़ है, जड़ तो खरबूजे की लंबी होती है, किंतु खरबूजा रंग बदलते हैं, रंग तो जापान के अच्छे होते हैं, किंतु वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, वार तो और भी हैं जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पर सबसे लंबा वार शेर का होता है, 40 शेर का एक मन है, मन